नमस्कार, इंडिया डेयर्स में आपका स्वागत है। मैं विवेक श्रीवास्तव और हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं दिल्ली की बवाना की जे कॉलोनी के अंदर। तो जे कॉलोनी है और इसमें ये सभी लोग जो हैं ये मेरे साथ हैं और आज हम आए हैं यहाँ पे ये जानने के लिए कि यहाँ की समस्याएं क्या है। और मेरे पीछे जैसा कि मैं देख रहा हूँ एक पार्क है और ये मेरे ख्याल से पार्क कम है और इसके अंदर देखिए कितना गंदा पानी इकट्ठा है। इस पार्क के अंदर काफ़ी इन्फेक्शन भी फैल सकता है और कोरोना का टाइम भी है। और एक बात जो बहुत अच्छी है वो ये है कि यहाँ जितने भी लोग हैं, आप मास्क लगा के आइए पहले, यहाँ जितने भी लोग हैं इन सब लोगों ने मास्क लगा रखा है। बच्चों आप लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा, क्यों नहीं लगा रखा? बच्चों जाके मास्क लगा के आओ, घर पे जाओ। हाँ तो पहले जितने भी लोग हैं सब लोग जाओ बेटे मास्क लगा के आओ, फिर हम सबके बात करेंगे। बिना मास्क के किसी से बात नहीं होगी, जाओ घर जाओ, मास्क लगा के आओ। तो मेरे साथ यहाँ पर बवाना के जे कॉलोनी के सामाजिक कार्यकर्ता इस्लाम जी हैं मेरे साथ यहाँ पर। और काफ़ी समय से 30-40 साल से ये इस क्षेत्र में रह भी रहे हैं और यहाँ की सेवा भी कर रहे हैं, यहाँ के लोगों की समस्याएं भी उठाते हैं। तो इस्लाम जी आप बताइए यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं। एक तो मैं देख रहा हूँ इस चीज़ को, और क्या समस्याएं हैं यहाँ पे आप लोगों की? कॉम्रेड, ऐसा है कि यहाँ पे समस्याएं काफ़ी हैं। सफाई व्यवस्था जो है, सफाई व्यवस्था बिगड़ चुकी है यहाँ पे। हमने कई कंप्लेंट MCD में भी दी हैं, प्रदर्शन भी किए हैं, लेकिन वो पार्कों को लेके सुनते ही नहीं, कहते हमारा काम नहीं है, फला जगह का काम है, वो ना जाओ फलानी जगह जाओ, वहाँ जाओ तो वो इनके ऊपर ठोप देते हैं, MCD वालों के ऊपर, वहाँ जाओ तो वो उधर उनके ऊपर। तो ये तो MCD के अंदर सारा पानी आता होगा, ये जो गंदा पानी इकट्ठा है पार्कों का, तो इसके लिए आप लोगों ने कुछ लिखा दिया किसी को? जी, हमने कॉर्पोरेटर को, MCD को, सबको दिया था जी, हमने सब लिखत में दिया, प्रदर्शन भी किए हैं जिसके हमारे पास फोटो वगैरह सब हैं जी MCD के, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ इधर से सुन के इधर से ही कल दिया गया। और हम काफ़ी इसकी लड़ाई भी लड़े, प्रदर्शन भी कर रखे हैं, कई दफ़ा हमने प्रदर्शन किए जिसके फोटो हमारे पास सबूत मौजूद हैं, लेकिन कुछ बात बनी, कोई बात बनी नहीं यहाँ पे। आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? अली नाम है मेरा। अली जी, अली आप क्या करते हैं? मास्क लगा लीजिए। मैं एक स्टूडेंट हूँ, BA प्रोग्राम कर रहा हूँ ओपन से। BA प्रोग्राम कर रहे हैं आप ओपन से? आप यही रहते हैं बवाना की जी? 15 साल से समथिंग यहाँ पे रह रहा हूँ। 15 साल से आप यहाँ रह रहे हैं जी? तो यहाँ पे कैसा लगता है आपको ये सब देख करके, क्या समस्या आप स्टूडेंट्स की यहाँ क्या समस्या? स्टूडेंट की सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे पार्क, जो स्टूडेंट आज के समय यहाँ पे यूथ जो है ज्यादातर नशे की ओर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? इनको खेलने के लिए पार्क नहीं मिलता। तो यहाँ पे ड्रग्स की भी समस्या है, ड्रग्स की जी, स्मोकिंग बहुत ज्यादा है यहाँ पे, स्मोकिंग, ड्रग्स, जो भी नॉर्मली जो नशा की समस्या है जी। जी जी जी, ड्रग्स की समस्या है यहाँ जी? जी, ड्रग्स की समस्या है। ड्रग्स नहीं सर, सबसे बड़ा समस्या हमारे यहाँ पे एजुकेशन, बच्चों का एजुकेशन भी यहाँ पे खराब है। एजुकेशन सही न मिलने के कारण बच्चे आज के समय भटक रहे। नहीं नहीं, खराबी क्या है? स्कूल नहीं है, क्या है, क्या खराबी? स्कूल में जो टीचर्स है वो आते हैं और हमें इनडायरेक्टली बच्चों से बोलते, अगर तुम्हें पढ़ा दूंगा तो हमारे बच्चों का क्या होगा? मतलब वो कहना चाहते कि तुम पढ़ लोगे तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, इसलिए तुम्हें वो उतना वो एजुकेशन नहीं मिलेगा जिससे तुम आगे बढ़ सको। तुम जहाँ हो वहीं रहो, गटर में हो तो गटर में ही मरोगे। तो ये स्कूल MCD के स्कूल हैं सारे, MCD के स्कूल हैं। तो MCD के स्कूलों में यहाँ बच्चों से बोला जाता है, बच्चों को पढ़ाते भी नहीं है टीचर, और व्यवस्था का हाल आप देख चुके हैं ऑलरेडी। तो हम कोई पार्टी स्पेसिफिक बात तो नहीं कर रहे, लेकिन हाल यहाँ बुरा है। MCD का कॉरपोरेटर काम करके राजी नहीं है। MLA वगैरह से, मेंबर पार्लियामेंट, उन लोगों से भी बात करी आप लोगों ने किसी ने? जी, हम बात करी लेकिन वो सुनते नहीं है। हाँ। उनके यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। अगर हम प्रिंसिपल के पास कंप्लेन के लिए जाते तो प्रिंसिपल भी बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा इसका तुम ट्रांसफर करवा सकते, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। टीचरों को गवर्नमेंट जॉब है, इसको तुम हटा नहीं सकते, कभी इनका हट नहीं सकता। आप क्या कह रहे थे? सर मैं कह रहा हूँ कि जैसे MCD स्कूल है, जैसे MCD स्कूल है या ये स्कूल है, इसमें 150-200 बच्चे एक ही क्लास में है। अच्छा। उसमें पढ़ाई कहाँ से होगी? अब हल्के तो 150 बच्चा आप कह रहे हैं एक क्लास में बैठ के पढ़ता है जी सर, और शिक्षक उसको 150 बच्चों को एक साथ पढ़ाता है? अच्छा, उसके बाद बच्चों पे इतना ध्यान नहीं आया। हाँ। तो बच्चे जैसे यहाँ पे जुआ हुआ खेलते हैं, वैसे बच्चे वो स्कूल में क्लास में वैसे खेलते हैं, मतलब कुछ चेंजिंग आ नहीं रही है पढ़ने के बाद भी बच्चों में। अच्छा सिर्फ ये यहाँ का नहीं, पूरी कॉलोनी में जो हर ब्लॉक का हाल है। हाँ। वो विधायक जो हमारे निगम पार्षद है वो हाँ। थोड़ा दूर एरिया के है। हाँ। वो यहाँ पे इतना ध्यान देते नहीं है, ध्यान नहीं देते जी सर। वो गाँव, हाँ वो गाँव गाँव के हैं, और उन्हें बस इलेक्शन के टाइम एक मुद्दा बना दे हिंदू मुस्लिम या कुछ भी। जैसे कि हमारे यहाँ पीछे रहिए, सब लोग खुले खुले में रहिए, जरा इकट्ठे मत रहिए। जैसे हमारे यहाँ बच्चे लोग स्कूल जाते हैं तो दारू को धंधा, दारू यहाँ ऐसे बेचते हैं, जैसे कि तेल की दुकान खोल रखी है। आजकल
एमएलए लोग मास्क एमएलए ये लोग क्या है, दो नंबर वाले सारे लोग दूध रोड पर बैठ के ड्रेस को शराब को ऐसे बेचते हैं कि जैसे कि पानी की दुकान खोल रखी है। तो यहाँ पे नकली शराब का भी वो धंधा चलता है? जी जी, बिना गवर्नमेंट ठेके की दारू बिकती है। हाँ। यहाँ से सब बच्चा बड़ों पर सब पे ही असर पड़ता है। अच्छा, तो आगे आप लोगों ने कभी पुलिस वगैरह में इसकी कंप्लेन या यहाँ की समस्याओं को लेकर कुछ बोला? सर, यहाँ पे जो दारू की दुकान है कच्ची, वो ऐसे खुल ले जैसे लग रहा राशन की दुकान है। हाँ, उसमें कोई पुलिस, मैंने खुद कंप्लेंट डाला, एसीपी का भी नंबर है मेरे पास। हाँ। मैंने एसीपी तक को फोन किया था। हाँ। तो कच्ची दारू खुल के बिक रही है राशन की तरह और कोई रुकावट नहीं है? 10 दिन के लिए बंद कर दिया फिर। हाँ 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 हाँ, आप आइए, क्या नाम है आपका? बिलाल। हाँ, नीचे इसको थोड़ा सा। तो आप जोर से बोले, क्या करते हैं आप बिलाल? सर, मैं स्टूडेंट हूँ। आप स्टूडेंट हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? बीए कर रहा हूँ, बीए प्रोग्राम। अभी बीए कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से यहाँ क्या वो समस्याएं हैं जिनके ऊपर ज़्यादा हम लोगों को फोकस करना चाहिए? सर, आप ये बुझे सर कि यहाँ पे क्या क्या समस्या नहीं है। सर, यहाँ पे ऐसी समस्या है जिसको आप पे नज़रअंदाज बहुत जोर से बोलिए, थोड़ा सा आवाज़ सर। यहाँ पे इतनी ज़्यादा समस्या सर, जो समस्या नज़रअंदाज किया जा रहा है, ठीक है ना सर। यहाँ पे MCDA स्कूल है, यहाँ पे केंद्र के स्कूल भी है, शायद केंद्र के भी स्कूल का बताया गया मुझको, ड्रग्स और शराब बताई गई, गंदगी फैली हुई है। तो क्या सोल्यूशन है, सोल्यूशन क्या है आपके सर? क्या करना सर? सोल्यूशन ये है, जो आप लोग जब नेता वोट मांगने आता है तब आप लोग हाथ जोड़ करके, तब आप लोग उसकी गर्दन नहीं पकड़ते हैं कि वोट मांगने आ गए हो, क्या हो रहा है सर? उस समय पे सर लोग हिंदू मुसलमान करके वोट ले लेते हैं, जो भी पार्टियां हैं पार्टी वोट लेके चली जाती है सर। बाद में सर गरीबों को देखने वाला या फिर कोई भी कॉलोनी एरिया देखने वाला कोई नहीं है। तो ये तो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया ज़्यादा मुझको लग रहा है, लेकिन क्या यहाँ भी कुछ इस तरह की कोई धार्मिक भावनाओं की कोई समस्या है ऐसी? ऐसी कोई समस्या नहीं, यहाँ पे सारे सब साथ में मिलजुल के रहते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। सब अच्छे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, बट कुछ लोगों ने इसको बदनाम कर रखा है, गलत कर रखा है। तो यहाँ पे कोई कम्युनल प्रॉब्लम नहीं है, हिंदू और मुसलमान सब इकट्ठा रहते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं, लेकिन जो सरकारी महकमे हैं वो काम करके राजी नहीं हैं, चाहे वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो। गंदे पार्क हैं, सस्ती नकली शराब यहाँ पे राशन के माफिक बिकती है, स्कूल में 150 बच्चा एक क्लास में बैठता है और टीचर कहता है अगर तुमको पढ़ा दिया तो हमारे बच्चों का क्या होगा। तो ये हाल है देश की राजधानी दिल्ली के बवाना जे कॉलोनी में सन 2020 में। मेरा भारत महान कहने से भारत महान नहीं होगा, इन समस्याओं को हमें देखना पड़ेगा। अब हम बवाना की जे कॉलोनी में और अंदर आ गए हैं इंडिया डेयर्स की तरफ से। मैं विवेक श्रीवास्तव और हम कवर कर रहे हैं दिल्ली की राजधानी और यहाँ की समस्याओं को। और ये बवाना जे कॉलोनी का दूसरा एरिया है और यहाँ कई लोग हैं। मास्क तो मेरे ख्याल लगभग सभी ने पहना हुआ है और जो नहीं पहना मास्क पहनना चाहिए। तो क्या आप खुश हैं, क्या समस्याएँ हैं आपकी यहाँ पर? समस्या है, बारिश होती है तो पानी लग जाती है। बारिश हो जाती है तो पानी लग जाता है। हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। घर में पानी घुस जाता है, मच्छर लगता है बहुत काकड़े से, और इतना घर में पानी घुस जाता है, बहुत तकलीफ उठाते हैं हम लोग। बारिश की वजह से पानी नाली का सारा अंदर आता है, बच्चों से। तो नाली का पानी और बारिश, ये यहाँ की एक मुख्य समस्या है जे कॉलोनी की। आप लोग कब से यहाँ पे रह रहे हैं? ये लोग कब से यहाँ पे रह रहे हैं? ये सर करीबन 15-16 साल हो गए। तो 15-16 साल से लोग देश की राजधानी में रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अभी भी पानी की एक बड़ी समस्या है। और पानी जब बरसता है तो इकट्ठा हो जाता है और आगे मेरे ख्याल से पानी इकट्ठा है। ये नाली का पानी, नाली भी खोल के इसे छोड़ दिया, पानी आ रहा है उसका भी पानी भर जाता है। वो एक नाली थी उसके। हाँ। वोट देते हैं, बोलते हैं, केजरीवाल भी बोल के गए थे कि हम खरंजा बिछा देंगे, मलबा गिरवा देंगे, और कुछ नहीं हुआ है। हमें इलेक्शन में हमेशा वोट देते हैं, हमेशा। बारिश के टाइम में इतना यहाँ पे परेशानी होता है, हद से ज्यादा, कि हम कैसे झेलते हो तो हमें पता है, छोटे छोटे बच्चे नहीं। तो जब वोट मांगने आते हैं तो आप लोग पकड़ते नहीं है कि भैया आप तो वोट मांगने आ गया है, और काम कोई कर नहीं रहा, काम कोई किया नहीं। झुग्गी बना देंगे हम, पानी का सुविधा देंगे आप लोग को, झुग्गी में पानी नहीं घुसेंगे हम, खरंजा बिछा देंगे। हम लोग को बोल के वोट ले लेता है कुछ। तो यानी कि हर बार चुनाव के समय में लोग यहाँ पे आते हैं, इन लोगों से मिलते हैं, झूठा वादा किया जाता है, नालियों के ऊपर कवरेज हो जाएगा, ड्रेनेज एक बन जाएगी, और उल्लू बना के आप लोगों को चले जाया जाता है। यही वोट भी काट दिए गए हैं यहाँ के, कुछ लोगों के, कुछ वोटरों के पिछले इलेक्शन में वोट भी काट दिए गए हैं सर। हाँ, तो पिछले इलेक्शन में लोगों के वोट भी काट दिए गए हैं, ये भी एक समस्या है। जी, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या हाल है। यहाँ पे इसको दिखाइए इसको दिखाइए ये पूरा मैं इसमें जा रहा हूँ, आप इसको आराम से कवर करिए धीरे धीरे। ये देखिए, ये पूरा इसको कवर करिए,
अरे अरे कुछ नहीं। तो ये सारा पानी अभी भी यहाँ पे इकट्ठा है, ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, कोरोना का समय है, तरह तरह की बीमारियाँ फैल रही हैं, बारिश का मौसम है, और देश की राजधानी में हमारी सरकार, हमारे नेता, चाहे वो कॉरपोरेशन के हों, किसी विशेष पार्टी का नाम नहीं लूँगा, सब कहते हैं भारत महान बनता जा रहा है। भारत महान कैसे है हमें सोचना होगा। धन्यवाद।